नमस्कार, मैं जनप्रत श्योम गौतम। और जिस तरीके से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या को पिछली सीटों से 10 गुना ज्यादा कर दिया है, उसके बाद में बीएमसी के अंदर होने वाले अगले साल के चुनावों को लेकर अब सुगवाहट तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि हैदराबाद में जीत हमारी है और अगली बीएमसी की बारी है। इस तरीके की बात करके उन्होंने उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी है, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। इसका मतलब यह है कि अब आने वाले समय में बीएमसी के अंदर अगर शिवसेना एनसीपी कांग्रेस तीनों एक होकर चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनसे कहीं बेहतर साबित होने वाली है। इस बात की आशंका पहले से ही शिवसेना को सता रही है कि अगर बीएमसी के चुनावों में वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चुनाव लड़ेगी तो फिर किसी भी हालत में वो भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो दबदबा है वो मराठी वोटों का है या राष्ट्रवादी वोटों का है, और राष्ट्रवादी वोटों की वजह से ही शिवसेना वहाँ अब तक मेयर की कुर्सी पर काबिज रही है। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना की जो छवि पिछले एक साल के दौरान जब से शिवसेना की सरकार बनी है महाराष्ट्र के अंदर, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में शिवसेना का जो एक हिंदुत्ववादी चेहरा था वो पूरी तरीके से तार तार हो गया है। जो सिद्धांत बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाते समय अपनाए थे या जिनकी वजह से बीएमसी में अब तक शिवसेना जीतती आई थी, उन सभी सिद्धांतों उन सभी बातों को उद्धव ठाकरे ने तिलांजलि दे दी है। और इसी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी को बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर अपने मेयर की जो कुर्सी है वो हासिल होती हुई दिख रही है, जिसका संकेत किरीट सोमैया ने दिया है। जहाँ तक बात है हैदराबाद के चुनावों की, हैदराबाद के चुनावों में हालांकि टीआरएस की सीटें ज़्यादा हैं और वो एआईएमआईएम के सहयोग से हालांकि मेयर की कुर्सी तो हासिल कर सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर एमआईएम और टीआरएस दोनों को ही तगड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पिछले चुनावों की 4 सीटों से वो 10 गुने से ज़्यादा सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 44 सीटों पर अभी भी लगातार बढ़त है। सुबह के जो रुझान आए थे उसमें तो स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बेहद आक्रामक बढ़त मिलती हुई दिख रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो बढ़त कम होती गई और टीआरएस थोड़ा आगे निकलती हुई दिखने लगी। इसका एक और संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना इन छोटी मोटी पार्टियों के बस की बात नहीं है, इसीलिए उन्हें बार बार गठबंधन करने पड़ रहे हैं। गठबंधन के द्वारा वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और यही कोशिश शायद महाराष्ट्र में अब एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पहले ही कह चुकी हैं कि ये गठबंधन के माध्यम से ही चुनाव लड़ेंगी और अगर गठबंधन के माध्यम से शिवसेना बीएमसी का चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि शिवसेना का जो दबदबा रहा है मुंबई के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्ववादी वोट की वजह से है, राष्ट्रवादी वोट की वजह से है, और अगर राष्ट्रवादी वोट शिवसेना से छिटकेगा तो सीधे वो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, ये सबको पता है और इसी बात का संकेत किरीट सोमैया ने देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ शरद पवार ने इस पूरे मामले पर एक दूसरी बात कहकर इस बात का संकेत दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सभी पार्टियां अगर गठबंधन नहीं करती हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक पाना संभव नहीं है। शरद पवार ने ममता बनर्जी को भी कहा है कि वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, और इसी बहाने शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को एक सीख देने की कोशिश की है। उद्धव ठाकरे जो ये मानकर चल रहे थे कि वो शिवसेना को अलग रखकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे और बीएमसी को फिर से कब्जे में कर लेंगे, अब उस बीएमसी पर कांग्रेस और एनसीपी की भी नजर है,
अगर शिवसेना गठबंधन में चुनाव लड़ती है तब भी उसके पास जीत की बजाय हार ही उसे नजर आ रही है, क्योंकि हर हालत में उसे सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी और सीट शेयरिंग में यह भी पक्का नहीं है कि वो जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। आज शिवसेना की जितनी सीटें हैं उतनी सीटें तो नहीं आनी है, बाद में अगर वो गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं तो उस स्थिति में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और उस गठबंधन की मजबूरी उनकी ये है कि उन्हें बीएमसी की मेयर की कुर्सी अब हर हालत में गंवानी ही पड़ेगी। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही बीएमसी में दबदबा है और उनकी सीटों और शिवसेना की सीटों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर बीएमसी का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर लड़ेगी या फिर आरपीआई जैसी छोटी मोटी पार्टियाँ उसके साथ कुछ सीट शेयरिंग करेंगी, उस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी आराम से बीएमसी का चुनाव जीत सकती है और इसकी पूरी संभावनाएँ दिख रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना के मामलों से अगर किसी शहर को नुकसान हुआ तो वो मुंबई को हुआ। और मुंबई की जिस तरीके से ढिलमुल रवैया रहा, बीएमसी का ढिलमुल रवैया रहा, महाराष्ट्र सरकार का या फिर मुंबई पुलिस की जो भूमिका रही है पिछले 5-6 महीनों के दौरान, और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मुंबई पुलिस की किरकिरी हुई है, ये सारे वो मामले हैं जिनको लेकर मुंबई के रहने वाले लोग हैं वो परेशान हैं। और शिवसेना को किसी भी हालत में दोबारा से बीएमसी की बागडोर थमाने का मूड उन लोगों का नहीं है, ऐसे संकेत मुंबई वाले देने लगे हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से अब उद्धव ठाकरे की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है। शिवसेना के साथ साथ शरद पवार का जो बयान आ रहा है, शरद पवार जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो उनकी बेचैनी को दिखाता है और वो सभी पार्टियों को डरा कर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो गठबंधन बना लो नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की आंधी में सब के सब उड़ जाएंगे। और ये संकेत कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि अगर वो शिवसेना के साथ में ज़्यादा घुलेगी मिलेगी तो शायद उसकी जो दूसरे तरीके की तुष्टीकरण वाली राजनीति है वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। लेकिन कांग्रेस को पता है कि सत्ता में रहते हुए जो आप कर सकते हैं सत्ता से बाहर रहकर वो नहीं कर सकते, और यही वजह रही कि कांग्रेस के तमाम छुटवैये नेताओं, स्थानीय नेताओं के विरोध के बावजूद सोनिया और राहुल ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करना स्वीकार किया। दूसरी तरफ शरद पवार तो पहले से ही सत्ता पाने के लिए हर हालत में उनकी कोशिश ये थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होता है तब भी वो तैयार थे और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हर हालत में सत्ता की जो चाबी थी वो शरद पवार को अपने हाथ में दिख रही थी। यही वजह रही कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार कर लिया, जबकि शरद पवार की पार्टी और शिवसेना के बीच में सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। ये सारी वो बातें हैं जो कि आने वाले दिनों में न केवल बीएमसी के चुनावों में बल्कि महाराष्ट्र के अन्य जो नगर निगम के चुनाव हैं उनमें भी इस बात के बहुत ज़्यादा मायने हैं। और जो आज जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं उसके अलावा जहां कांग्रेस के मेयर हैं या जहां पर एनसीपी या शिवसेना के मेयर हैं उन सभी जगहों पर इस गठबंधन को इस मामले में काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन की नीति रही है पसोठाबाद के नाम पर उन्होंने जो तानाशाही चलाने की कोशिश की है, नागरिक अधिकारों का हनन किया है, न्यायालय की अवमानना किया है, न्यायालय और संविधान में जो चीजें वर्णित हैं जो निर्देश हैं उनको ताक पर रखते हुए उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। पालघर के साधुओं का मामला भी मुंबई वाले भूले नहीं होंगे, और ना ही कंगना रनौत या नेवल ऑफिसर के ऊपर जो अटैक हुआ था शिवसेना के गुंडों के द्वारा उसको भी कोई भूला नहीं है। ये सारी वो बातें हैं जो मुंबई के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नागरिक हैं मुंबई के, उनको सभी ध्यान में रहेंगी। और साथ ही साथ जो दूसरे अन्य नगर निगम हैं महाराष्ट्र के अंदर वहाँ भी ये सारी बातें लोगों को ध्यान में रहेंगी। जो आने वाले साल में जो चुनाव होंगे उसमें निश्चित तौर पर इसका खामियाजा महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को हर हालत में भुगतना पड़ेगा, जिसके संकेत किरीट सोमैया दे रहे या शरद पवार जिसको स्वीकारते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से हैदराबाद में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा बड़ा बेस नहीं था वहाँ भी पार्टी इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है, 10 गुने से ज़्यादा सीटों पर बढ़त हासिल करके 10 से 11 गुना सीटें हासिल करती हुई दिख रही है। उस हिसाब से अगर बीएमसी की बात की जाए
तो बीएमसी में तो भारतीय जनता पार्टी को केवल अपनी सीटों को डेढ़ गुना करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें अभी जितनी सीटें हैं उनसे डेढ़ गुना हो जाएंगी, निश्चित तौर पर उनका मेयर हो जाएगा और इस हालत में वो पिछले 25 सालों से भी ज़्यादा समय से बीएमसी की कुर्सी पर काबिज शिवसेना को आसानी से कुर्सी से हटा सकेंगे और अपना मेयर बना सकेंगे। यही चिंता अब उद्धव ठाकरे को सता रही है। उद्धव ठाकरे को यह लग रहा है कि अगर बीएमसी के मेयर की कुर्सी उनकी पार्टी के हाथों से निकल गई तो निश्चित तौर पर मुंबई वालों के नज़रों में उनकी जो थोड़ी बहुत छवि बची है वो भी और ज़्यादा नीचे गिर जाएगी और इस सब का खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से आलोचनाएं उनकी उन सरकार की हो रही हैं, जिस तरीके से उनकी अक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद में बीएमसी की जो मेयर है किशोरी पेडनेकर, उसके भी तमाम घोटाले सामने आ चुके हैं, तमाम अक्षमता सामने आ चुकी है। इस सब को मुंबई की जनता आसानी से भूलने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। जय हिंद, जय भारत।